दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अचिंत कुमार। आप सभी का स्वागत है ज्ञान डिस्क के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने फेफड़ों को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं। जीवन भर अगर आप अपने फेफड़ों को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आपको कुछ चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ज़्यादा समय ना लेकर शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों अगर आपके फेफड़े ठीक ढंग से काम नहीं करेंगे तो आपको अस्थमा, निमोनिया, टीबी, कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं आजकल कोरोना वायरस जैसी भयानक महामारी से बचने के लिए भी आपके फेफड़ों को मजबूत होना चाहिए। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि अपने फेफड़ों को स्वस्थ कैसे रखें। दोस्तों आजकल की लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा अलग हो चुकी है, हम लोग अपनी सेहत का बिल्कुल ही ध्यान नहीं रख पाते। अगर आपको अपने फेफड़े को स्वस्थ रखना है तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। नंबर एक, प्रोस्टेट मीट। यह वह मांस होता है जिसे ज़्यादा समय तक ताज़ा रखने के लिए रसायन प्रिजर्वेटिव के साथ मिलाकर रखा जाता है, तो आपको इसका सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर दो, स्मोकिंग। अगर आप सिगरेट, तंबाकू या बीड़ी का सेवन करते हैं तो यह बिल्कुल आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इससे फेफड़ों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। नंबर तीन, तला हुआ भोजन। ज़्यादा तला हुआ मसालेदार खाना खाने से पेट में ब्लॉटिंग होने लगती है, जिससे आपको सांस लेने में काफ़ी समस्या हो सकती है, जिससे आपके लंग्स पर दबाव पड़ता है और लंग्स कमज़ोर होने लगते हैं। नंबर चार, डेयरी प्रोडक्ट का अधिक सेवन करना। दूध, दही, पनीर आदि का सेवन करना सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद है, पर ज़्यादा सेवन करने से आपके शरीर में बलगम बनने लगेगा, जिससे काफ़ी नुकसान हो सकता है। दरअसल दूध में कैसेमोफ्रिन नामक तत्व पाया जाता है जो बलगम बनाने में काफ़ी मदद करता है। जब बलगम बनेगा तो वो फेफड़ों पर जाकर के जमा होने लगेगा, जिससे फेफड़े कमज़ोर होने लगते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रोडक्ट का मतलब दूध दही का सेवन करते समय भी ध्यान रखना है कि ज़्यादा सेवन नहीं करना है। नंबर पाँच, खट्टे फल। अगर आपको एसिडिटी की समस्या का सामना करना पड़ता है तो ऐसे में खट्टे फलों से दूरी बना लें। दरअसल एसिडिटी के कारण शरीर में एसिड रिफ्लेक्सस फेफड़ों के रोगों को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे आपके फेफड़े कमज़ोर होने लगते हैं। तो दोस्तों खट्टे फलों से भी दूरी बनाकर रखें। दोस्तों इस तरह से आप अपने फेफड़ों को स्वस्थ रख सकते हैं। कुछ चीज़ों का आप सेवन ना करें जिससे आपके फेफड़े स्वस्थ रहेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। आपको इसी चैनल पर और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहेंगी, इसके लिए चैनल को भी अभी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।